नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हम सभी जानते हैं हम अपनी इस वीडियो सीरीज में चर्चा कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम की यूनिट 7 के बारे में। हमारा सोर्स क्या है? तो दोस्तों, हमारा सोर्स है परीक्षा धाम पब्लिकेशन की विज्ञान एवं पर्यावरण शीर्षक वाली पुस्तक, जो स्पेशली डिज़ाइन ही की गई है एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम की यूनिट 7 की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमारी इस वीडियो सीरीज़ के पर्टिकुलर इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं कृषि में जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी इन फार्मिंग, इस टॉपिक की। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर जब हम कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं तो उससे होता क्या है और किस प्रकार से करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जैव प्रौद्योगिकी में दोस्तों जीव तथा जैविक प्रणालियों का उपयोग किया जाता है, और इनका उपयोग करके ऐसे उत्पाद विकसित किए जाते हैं जो मानव व अन्य जीवों के लिए फायदेमंद होते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, जो जैव प्रौद्योगिकी है इसमें जीव एवं जैविक प्रणालियों का उपयोग करके उत्पाद निर्मित किए जाते हैं। कैसे उत्पाद होते हैं? जो मानव व अन्य जीवों को फायदेमंद होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे उत्पादों की जो जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बनाए गए हैं और जो आपके एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों बीटी कॉटन और बीटी वैगन के बारे में। ये क्या है? ये दोस्तों कीट प्रतिरोधी किस्में हैं। किसकी? बीटी कॉटन कॉटन की है, और बीटी वैगन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है वैगन की कीट प्रतिरोधी किस्म है। फिर बात करते हैं फ्लेवर शावर टमाटर की। दोस्तों अधिक भंडारण क्षमता हेतु इसको विकसित किया गया। किसको? फ्लेवर शावर टमाटर को। फिर दोस्तों अगली किस्म है IR8 चावल, इसको अधिक उत्पादन के लिए विकसित किया गया। फिर फ्रेंक कोनिया गेहूं, दोस्तों अधिक उत्पादन के लिए इसको विकसित किया गया। इसी प्रकार से गोल्डन राइस, अधिक पोषक तत्व के लिए गोल्डन राइस को बनाया गया। ये सब दोस्तों क्या है? उत्पाद हैं जिनको बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से बनाया गया है। फिर दोस्तों सुपर बनाना या केला, दोस्तों अधिक बीटा कैरोटीन युक्त बनाना है सुपर बनाना। ठीक है, आप इन उत्पादों के नाम ध्यान रखें। फिर दोस्तों एग्जाम हेल्प में हम चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ग्रीन गोल्ड कैसे कहते हैं। तो यहाँ दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, चाय और बांस, इन दोनों को दोस्तों क्या कहा जाता है? ग्रीन गोल्ड। ठीक है, फिर श्वेत गोल्ड हम कहते हैं कपास को, कॉटन को। स्नो गोल्ड कहते हैं आलू को। दोस्तों ध्यान रखना है, आलू को हम क्या कहते हैं? स्नो गोल्ड कहते हैं। और यदि ब्लैक गोल्ड की बात करें तो दोस्तों काली मिर्च को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। ठीक, येलो गोल्ड सरसमा को, और गरीबों का मित्र आलू को कहते हैं। इतने पॉइंट आपको ध्यान रख ही लेना है। ठीक, आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं पौधे या फसलों में होने वाले रोगों की। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं की। तो गेहूं में दोस्तों टुंडू और किट्टू रोग होता है, आपको ध्यान रखना है। तम्बाकू में दोस्तों मोज़ेक रोग होता है, तम्बाकू को दोस्तों मुँह से खाते हैं, तो इस प्रकार से माँ से मुँह और माँ से मोज़ेक याद कर लें। फिर दोस्तों गन्ने में लाल सड़न होती है, आपने देखा होगा, जब भी कभी आपने गन्ना खाया होगा इसको देखा होगा, तो आपको कई बार दिखता होगा गन्ने में लाल या कत्था टाइप का कलर दिखता है, तो उसे ही कहते हैं लाल सड़न। और दोस्तों अरहर की बात करें तो अरहर के पेड़, दोस्तों पौधे की, अरहर के जो पौधे होते हैं, पेड़ नहीं कहना चाहिए, जो अरहर के पौधे होते हैं बहुत लंबे होते हैं सामान्य जो फसली पौधे होते हैं उनकी तुलना में, तो इनमें दोस्तों लंबे होते हैं तो इनका तना भी लंबा होता होगा, तो इस प्रकार से याद करें अरहर में तना सड़न हो जाता है, सड़न का रोग पाया जाता है। ठीक, फिर दोस्तों आलू की बात करें तो विल्ट और वाट,
आलू में कौन सा रोग है? विल्ट और बार्ट रोग आलू में या आलू से संबंधित है। अब बात करते हैं कपास की। तो दोस्तों कपास से कपड़े बनाए जाते हैं, तो आप ऐसा याद कर लें, कपास से सफेद कपड़े बनाए जाते हैं, लेकिन रोग हो जाता है तो वो ब्लैक हो जाते हैं। तो कपास में कौन सा रोग हो गया? ब्लैक आर्म। ये सब चीज़ें मैं सिर्फ आपको इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको फैक्ट्स याद हो जाएं, इनका इन रोगों से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? जैसे मैंने कहा कपास से सफ़ेद कपड़े बनाए जाते हैं, और रुई दोस्तों आपने सफ़ेद रंग की देखी होगी, लेकिन जब रोग हो जाता है तो काली हो जाती है। मैं आपको इस प्रकार से समझाने बोल रहा हूँ, काली होती है, ब्लैक होती है या नहीं, इससे हमारा लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना है कि हमें याद हो जाए चीज़ें और एग्ज़ाम में हमारा ऑप्शन सही टिक हो जाए। फिर धान की बात करते हैं, तो दोस्तों धान में अंगमारी और खैरा रोग होता है, इसे आप ज़रूर याद रख लें। धान में कौन कौन से रोग होते हैं? अंगमारी और खैरा। केला में दोस्तों बंकी टॉप, अब कैसे याद रखेंगे? आपने सुना होगा जो बंदर होते हैं वो केले को खाना पसंद करते हैं, है ना? तो बंदर से बंकी याद रख लें, या बंदर से मंकी और मंकी से फिर बंकी और मंकी को रिलेट कर दें, तो केला में कौन सा रोग हो गया? बंकी टॉप रोग हो गया। मटर में दोस्तों मार्स रोग, एम से मटर, एम से मार्स। मूंगफली में टिक्का रोग, ठीक, ऐसा याद कर लें, मूंगफली की टिक्की खानी है। जैसे आलू की टिक्की बनती है तो आप मूंगफली की टिक्की बना लें। फिर बाजरा में होता है दोस्तों इरगाट, नींबू में डाइवेक। इतने रोग आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में इनसे प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक। रिवीजन आप वीडियो को बैक करके कर सकते हैं। अब चर्चा करते हैं कृषि से संबंधित क्रांतियों की, कि भाई कृषि के संबंध किस क्रांति को किस चीज़ से जोड़ते हैं, और उस क्रांति के जनक कौन थे या संबंधित व्यक्ति कौन थे। इन सब बिंदुओं पर हम अपनी चर्चा को अब आगे बढ़ा लेते हैं। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न से है। और स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन, भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, ठीक। दुनिया में कौन है कमेंट सेक्शन में बताएं। फिर दोस्तों श्वेत क्रांति, इसका संबंध दूध उत्पादन से है, आप समझ ही रहे होंगे श्वेत और दूध, ठीक। वर्गीज कुरियन को इसका जनक माना जाता है, या इससे संबंधित व्यक्ति, जनक इनको ही माना जाता है, तो ध्यान रखें। फिर लाल क्रांति, दोस्तों लाल क्रांति का संबंध टमाटर एवं मांस उत्पादन से है। टमाटर और मांस दोस्तों दोनों का रंग कैसा होता है? रेड होता है, तो इस प्रकार से ध्यान रखें। और विशाल तिवारी, इनका संबंध है लाल क्रांति से, ध्यान रखें, विशाल तिवारी लाल क्रांति। फिर पीली क्रांति, तिलहन उत्पादन से संबंधित है। अक्सर आपने देखा होगा जो तेल होते हैं उनका कलर येलोइश होता है, तो पीत या पीली क्रांति ध्यान रख लें। और दोस्तों सैम पित्रोदा, इस नाम को आप जरूर याद रखें पीली क्रांति के संबंध में। फिर गुलाबी क्रांति, दोस्तों प्याज आपको हल्की गुलाबी दिखती है, और झींगा मछली उत्पादन, इन दोनों से संबंधित है कौन सी क्रांति? गुलाबी क्रांति। और दुर्गेश पटेल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर बात करते हैं नीली क्रांति की, दोस्तों मछली उत्पादन से इसका संबंध है, और अरुण कृष्ण का नाम आपको ध्यान रखना है, नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन, ठीक है। फिर सुनहरी क्रांति, दोस्तों बागवानी या फल उत्पादन से संबंध है, निफेक टुटेजा का नाम आप ध्यान रखें। फिर रजत क्रांति, दोस्तों अंडा उत्पादन, इंदिरा गांधी। फिर काली या कृष्ण क्रांति, पेट्रोलियम उत्पादन, सिल्वर फाइबर, कपास उत्पादन, गोल्डन फाइबर, जूट उत्पादन, इन दोनों के नाम भी आप ध्यान रख लें दोस्तों, सिल्वर फाइबर और गोल्डन फाइबर। फिर ग्रे क्रांति, दोस्तों फर्टिलाइजर उत्पादन, भूरी क्रांति चमड़ा उत्पादन, कन्फ्यूज़ नहीं होना इन दोनों में, ग्रे क्रांति दोस्तों फर्टिलाइजर और जो भूरी क्रांति है चमड़ा उत्पादन। गोल क्रांति की बात करें तो आलू उत्पादन, मीठी क्रांति की बात करें तो शहद उत्पादन। इनके नाम आपको ज़रूर रखने हैं, आप याद रखने हैं, आपके एग्ज़ाम के लिहाज से दोस्तों ये सारी क्रांतियाँ महत्वपूर्ण हो जाती हैं, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं अलग अलग एग्ज़ाम में अक्सर, तो आपको इनको ध्यान रख लेना है।
अब चर्चा करनी है कृषि संबंधित अनुसंधान केंद्रों की, ठीक। इनके नाम भी ध्यान रखने हैं। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? लखनऊ में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में है। केंद्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जोरहट असम में है। केंद्रीय जूट अनुसंधान केंद्र बैरकपुर कलकत्ता में है। ध्यान रखें जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बैरकपुर कलकत्ता में है, उस ही साइड या भारत के उस विशेष पर्टिकुलर रीजन में जूट का उत्पादन अधिक होता है, तो केंद्रीय जूट अनुसंधान केंद्र भी हमारे जो देश है उसकी पूर्वी साइड है, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल साइड जूट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। फिर केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में है। केंद्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र करनाल हरियाणा में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर में है। ध्यान रखना है दलहन कहाँ पर है? कानपुर में है। कपास कहाँ पर है? नागपुर में है। आप कानपुर और नागपुर में कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने इसको अलग से लिख दिया। फिर दोस्तों केंद्रीय मूंगफली अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जूनागढ़ गुजरात में है। केंद्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है। केंद्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र पुणे में है। काफी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलूर कर्नाटक में है। फिर केंद्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिची तमिलनाडु में है। तम्बाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर राजस्थान में है। सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी में है। दोस्तों ये केंद्रीय और राष्ट्रीय मानकर ही चले आप, मैंने जैसे डायरेक्ट बोल दिया सब्जी अनुसंधान केंद्र, तो आप मान के चलें कि राष्ट्रीय सब्जी अनुसंधान केंद्र की बात हो रही है। एक काम करता हूँ मैं, बोलते ही जाता हूँ। फिर केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला, राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र सोलापुर महाराष्ट्र में है, और दोस्तों राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर बिहार में है। केंद्रीय मक्का अनुसंधान केंद्र 2014 में स्थापित कहाँ पर है? मक्का अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में है। मत्स्य अनुसंधान केंद्र राष्ट्रीय मत्स्य अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? हैदराबाद में है। फिर राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र कोझीकोड केरल में है। दोस्तों यहाँ पर मत्स्य यह मछली की बात हो रही है, यह हैदराबाद में है, और दोस्तों जो मसाला है वह कोझीकोड केरल में है। फिर केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान कासरगोड केरल में है। कौन सा? केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान कसरागोड केरल में है। इतना आपको ध्यान रख लेना है, ये सभी फैक्ट्स आपके एग्जाम के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, इनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। फिर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों की। दोस्तों ये जो अनुसंधान संस्थान या केंद्र हैं ये भी आपके एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला फिलीपींस में है। अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र लीमा पेरू में है। अंतर्राष्ट्रीय फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है वॉशिंगटन USA में। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर ये है इबादान नाइजीरिया में। इसके अलावा इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई एरिया, कौन सा दोस्तों? इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई एरिया ये है दोस्तों इलेफू सीरिया में। इतने नाम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र के लिहाज से। फिर दोस्तों प्रमुख फसलों की प्रजातियां, जितने भी पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों सबके सब महत्वपूर्ण हैं, किसी को भी नजरअंदाज ना करें, कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। फिर चाहे भी फसलों की किस्में हो इनको भी आपको ध्यान रखना है। यदि एक बार में ध्यान या याद नहीं होती तो वीडियो को बार बार देखें, पुस्तक से बार बार रिवाइज करें, ताकि एग्जाम में प्रश्न आए तो गलत ना हो। मैं आपसे कह रहा हूँ ये टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि अलग अलग एग्जाम्स में इन टॉपिक्स में से कहीं से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। फिर चाहे वे प्रजातियाँ हों, फसलों के रोग हों, अनुसंधान संस्थान हों, इसलिए सारे के सारे याद रखना आवश्यक है। यदि गेहूं की प्रजातियों की बात करें तो शरबती, राज, लोकमन, UP 308, कठिया, सुजाता,
कल्याण सोना, मैक्रोनी, सोनालिका, कुंदन और ड्यूरम, इन सबको ध्यान रखना है। फिर धान की प्रजातियां, तो मही सुगंधा, पूसा, पूसा सुगंध, रंजीत सब, स्वर्ण सब, बहादुर सब, संबा मंसूरी। जहां भी आपको सब या संबा टाइप का शब्द दिखे तो आपको वहां पर धान लगाना है। फिर अमन, काली मूछ, बरानी दीप, बोरो, जया, पद्मा, कृष्णा, गोल्डन राइस, दोस्तों विटामिन ए का प्रचुर स्रोत होता है, हंसा, शुष्क सम्राट और गोविंद, ये सभी हैं दोस्तों धान की प्रजातियां। ठीक है, अब बात करते हैं सोयाबीन की प्रजातियों की। तो पालम, PS 1024, समृद्धि, प्रसाद, प्रतिकार, अहिल्या, अलंकार, ये सब है सोयाबीन की किस्में। फिर बात करते हैं चना, तो वैभव, विशाल, काबुली, मैक्सिकन बोल्ड, श्वेता और राधे, काफी सारे तो दोस्तों आपको यहाँ पर आपके दोस्तों के नाम दिख जाएंगे, वैभव, विशाल, श्वेता, राधे, चना की किस्म है दोस्तों। इसके अलावा काबुली चने तो आपने सुने ही होंगे और मैक्सिकन बोल्ड भी आप याद रखें, यहाँ पर गोल्ड नहीं है, ठीक है, यहाँ पर बोल्ड, मैक्सिकन बोल्ड। ठीक, फिर बात करते हैं दोस्तों ज्वार की, तो पीला आंवला, लवकुश, विदिशा, 60-1, ये है ज्वार की किस्म। फिर सरसों की बात करें तो दोस्तों वरुणा, पूसा गोल्ड, जय किसान और पीताम्बरी। दोस्तों पूसा, हमने बहुत सारे पूसा, पूसा सुगंध, ये सब हमने धान में भी देखे थे, लेकिन आपको ध्यान रखना है स्पेशली पूसा गोल्ड को, यह सरसमा की किस्म है। ठीक, सरसों की किस्म है। फिर बात करते हैं मूंगफली की, तो दोस्तों कौशल, चंद्रा और चित्रा, ये है मूंगफली की किस्म। इसी प्रकार से दोस्तों कपास, तो श्यामली, सुबिन, महालक्ष्मी, जयलक्ष्मी, कपास की किस्म है। फिर बात करते हैं अरहर की, तो दोस्तों बहार, अमन, आजाद, मालवीय चमत्कार और पारस, ये सभी हैं दोस्तों किसकी किस्म, ये सभी किस्में हैं अरहर की। फिर मटर, दोस्तों मटर की किस्म है प्रकाश, अपर्णा, जो अपर्णा है ये पत्तीविहीन प्रजाति है। फिर रेशम, टसर, इरी, मूंगा और ओक, ये है रेशम की प्रजातियां। अमरूद की बात करें तो दोस्तों ललित अमरूद की किस्म है। आलू की बात करें तो कुफरी शब्द दिख जाए, कौन सा शब्द, कुफरी, तो आपको आलू की किस्म समझना है, कुफरी चिप्सोना, कुफरी बादशाह है और कुफरी अशोका, दोस्तों इसमें से कुफरी चिप्सोना जो है सर्वश्रेष्ठ प्रजाति है, इसको ध्यान रखना है। फिर आंवला, कंचन, प्रतापगढ़, बनारसी और कृष्णा, ये आंवला की किस्म है दोस्तों, कृष्णा धान की किस्म भी है, इसको ध्यान रखें कंफ्यूज ना हो। ठीक है, यदि धान ऑप्शन में आया, आंवला ऑप्शन में नहीं हो, कृष्णा के परिप्रेक्ष्य में पूछा, तो आप आंवला टिक कर देंगे। ठीक, फिर बात करते हैं आम की, तो दोस्तों आम्रपाली, ये दशहरी नीलम का संकर है, नूरजहां, सुंदरजा, अल्फांसो, सिंधु, दोस्तों सिंधु बीज रहित प्रजाति है, रत्ना, यह नीलम और अल्फांसो का संकर है, ये सभी हैं आम की प्रजातियां। अब बात करते हैं दोस्तों गन्ना की, तो दोस्तों गन्ना में बाहुबली और श्रीमुखी ध्यान रखें, इसी प्रकार से भिंडी में काशी, लालिमा ध्यान रखें। हमने चर्चा कर ली दोस्तों फसलों की प्रजातियों के बारे में बहुत विस्तार से, आपको इन्हें ध्यान रखने का प्रयास करना है। और अब बात कर लेते हैं फसलों के संबंध में अधिनियमों की। ठीक है, सबसे पहले गन्ना अधिनियम कब आया, भारत शासन अधिनियम 1935, एक वर्ष पहले 1934 में, गन्ना अधिनियम 1934, काफी बोर्ड अधिनियम भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ठीक, ऐसा याद कर लें, जब भारत छोड़ो आंदोलन आया उस समय पर रात रात दिन दिन जाग कर काम करना पड़ता था, कॉफी की आवश्यकता पड़ती थी, तो कॉफी बोर्ड अधिनियम कब बनाया गया, वर्ष 1942 में बनाया गया। रबर बोर्ड अधिनियम 1947, चाय बोर्ड 1953, काफी और राजस्व अधिनियम 1950, कपास 57, तंबाकू बोर्ड 75, नरियल 79, मसाला 86, जूट बोर्ड अधिनियम, राष्ट्रीय जूट बोर्ड अधिनियम 2008 और अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड अधिनियम 2009। फिर से देख लेते हैं,
गन्ना 34, काफी 42, रबर 47, चाय 53, अफीम और राजस्व 1950, कपास 57, तंबाकू 75, नरियल विकास बोर्ड 79, मसाला 86, राष्ट्रीय जूट बोर्ड 2008 और अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड अधिनियम 2009। इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम कृषि उत्पाद बोर्ड की। इन सब के नाम भी आपको ध्यान रखने हैं, सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं कॉफ़ी बोर्ड की। ये कहाँ पर है? बेंगलोर कर्नाटक में है। रबर बोर्ड कोट्टायम केरल में है। चाय बोर्ड कोलकाता पश्चिम बंगाल। तंबाकू बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश। मसाला बोर्ड कोच्चि केरल। जूट बोर्ड कलकत्ता। मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद तेलंगाना। इन बोर्ड को भी ध्यान रखें, कॉफ़ी बेंगलोर, रबर कोट्टायम, चाय कोलकाता, तंबाकू गुंटूर, मसाला कोच्चि, जूट कलकत्ता, मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद तेलंगाना। तो इन बोर्ड को भी आपको ध्यान रख लेना है। फिर बात करते हैं MSP की, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस की। मिनिमम सपोर्ट प्राइस दोस्तों, सरकार की ओर से किसानों को कुछ फसलों पर दाम की गारंटी दी जाती है कि भाई इतने में तो खरीद ही लेंगे, इससे कम में नहीं, कम से कम इतना पैसा तो इस विशेष अमाउंट के लिए आपको दिया जाएगा, इतनी क्वांटिटी के लिए इतना पैसा मिलेगा। उसे ही हम कहते हैं जब मिनिमम प्राइस तय कर दिए जाते हैं फसलों के, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक, समझे बात को? कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा उत्पादन हो जाता है तो मार्केट में जो फसल होती है उनका आधिक्य हो जाता है, अधिक मात्रा में रहती है, खरीदने वाले कम होते हैं, तो उनकी प्राइस इतनी नीचे चली जाती है कि जितनी उनके उत्पादन में लागत आई। तो ऐसा ना होने पाए और किसानों का नुकसान ना हो, इसलिए सरकार एक मूल्य तय कर देती है कि यदि कोई इससे नीचे खरीदेगा, मान लीजिए पर्टिकुलर 1 क्विंटल कोई फसल है, उसकी लागत आई 2000 रुपये, और इतना उत्पादन हो गया कि मार्केट में 1800 में मांगी जा रही है, सरकार कहती है कि नहीं, जो आपने फसल उगाई है उसका 2200 रुपये मूल्य हम अपने स्तर पर निर्धारित करते हैं, कोई नहीं खरीदेगा तो 2200 में आप हमें बेच देना। इसे कहते हैं MSP। दोस्तों, बाजार में फसल के दाम भले ही कितने ही कम क्यों ना हो, सरकार उसे किसानों से तय MSP पर खरीदेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया 2200 यहाँ निर्धारित किया गया, ये हाइपोथेटिकल या काल्पनिक सिचुएशन मैंने ली है कि उस MSP पर सरकार खरीद लेगी, जिससे क्या होता है कि बाजार में मूल्य एकदम नहीं गिर पाता है। बाजार में MSP पर है, उससे ज्यादा परी पर व्यापारी खरीदते हैं, नहीं तो व्यापारी को बेचेगी क्यों फिर किसान, सरकार को ना बेच देगा फसल। ठीक, ये बात होती है। फिर दोस्तों, MSP का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा किया जाता है। 2022 21-22 में दोस्तों भारत सरकार ने 25 फसलों को MSP में शामिल किया था। MSP के अंतर्गत शामिल प्रमुख फसलों में शामिल है, खरीफ और रबी में अलग अलग बात करें तो खरीफ में चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, अरहर, मूंगफली, उड़द, मूंग, मूंगफली, उड़द, सूरजमुखी, सोयाबीन, तिल, रामतिल और कपास। रबी की फसलों में गेहूं, जौ, चना, मसूर, रेपी सीड एवं सरसों, कुसुम, तोरिया, पटसन, गन्ना एवं नारियल, ये शामिल है। जल्दी जल्दी मैंने इसलिए बोला कि आप इनको ध्यान रखना चाहें तो आप फिर से इनको खुद से रीड कर सकते हैं। समाचार के पन्नों में भी हम जाएं तो दोस्तों, केरल बना है कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य। कौन सा बना है? केरल। ठीक है, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करनी है भारत के महत्वपूर्ण कृषि विश्वविद्यालयों की। दोस्तों, इनके नाम कुछ आप ध्यान रख सकते हैं, ना भी रहे तो यहाँ चिंता की आवश्यकता नहीं है। अब आ गया तो फिर मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन ये उतने महत्वपूर्ण नहीं है। जो चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं उनको तो मैं आपसे हाथ जोड़ जोड़ कर कहता हूँ कि भैया याद कर लेना प्रभु, ताकि आपका एग्जाम में प्रश्न गलत ना हो। ठीक है, यहाँ पर आप याद हो जाए तो बहुत बढ़िया चीज़ है, अदरवाइज इनका इतना लोड नहीं लेना। जिन चीज़ों का लोड लेना है मैंने आपको पहले ही बोल दिया। ठीक, तो चलिए अब चर्चा कर लेते हैं भारत के महत्वपूर्ण कृषि विश्वविद्यालयों की। दोस्तों, बात तो हमने पहले ही कर ली है कि इनको आप याद रख सके तो रखें, इनका ज़्यादा हेडेक आपको नहीं लेना है। ठीक है दोस्तों, ये जो हम डिस्कशन करने वाले हैं कृषि विश्वविद्यालय, ये हमारा दूसरा सेक्शन होगा। मतलब आपको तो एक ही वीडियो दिखेगी, लेकिन मैं इसको अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रात को अभी 1 बजे के आसपास हो चुके हैं, सुबह मैं इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाया था क्योंकि सुबह रिकॉर्ड करते करते ऑफिस का समय हो गया, जिस कारण से मुझे वीडियो को उधर ही छोड़ना पड़ा था, आपके लिए रिकॉर्ड पूरा नहीं कर पाया था। तो इनको आप ध्यान रख लेना यदि रख सके तो।
चलिए बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो समस्तीपुर बिहार में है, इसे आप ध्यान रखें। स्थापना हुई थी 1971 में। सबसे पुराना आप याद रख लें, इस पर हम मार्क कर लेते हैं। सबसे पुराना कौन सा नज़र आ रहा है दोस्तों? यहाँ पर जवाहर नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश। इसका तो वैसे भी सन आपको याद होगा, हम इसकी चर्चा पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, आप ध्यान रखें। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर, बिना टेंशन के आपको इन्हें पढ़ना है, 1978। ठीक, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय, ये सोलन हिमाचल प्रदेश में है, 1987 में स्थापित। जवाहर नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश में है, वर्ष 1964 में स्थापित। इसे तो आप कंप्लीटली याद ही कर लें। ठीक, फिर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कृषि नगर रायपुर छत्तीसगढ़ में 87 में बना। फिर डॉक्टर बाला साहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ डपोली महाराष्ट्र 1972। फिर महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी अहमदनगर महाराष्ट्र में है, 1965। फिर गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उधन सिंह नगर उत्तराखंड 1960। फिर दोस्तों नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद उत्तर प्रदेश में 1976 में स्थापित। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश वर्ष 2000। फिर रानी लक्ष्मीबाई कृषि केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी उत्तर प्रदेश में 2014 में स्थापित। इन्हें आप याद करने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, फिर चर्चा करते हैं फसलों के जन्म स्थान की। तो दोस्तों दो प्रकार से देखना है, ओल्ड वर्ल्ड फसल और न्यू वर्ल्ड फसल। सबसे पहले बात की जाएगी ओल्ड वर्ल्ड फसल की। तो यहाँ ध्यान रखें दोस्तों, यूरोप एशिया अफ्रीका व ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को एक साथ ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। सबसे पहले इन आप चार महाद्वीप के नाम याद रखें, यूरोप एशिया अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। इन्हें हम एक साथ क्या कहते हैं? ओल्ड वर्ल्ड कहते हैं। दोस्तों जिन फसलों की उत्पत्ति इन महाद्वीपों में हुई उन्हें हम कह देते हैं ओल्ड वर्ल्ड क्रॉप्स या ओल्ड वर्ल्ड फसलें। अब आपको ये नाम ध्यान रख लेना है, गेहूं धान चाय सोयाबीन गन्ना अरहर बाजरा कॉफी, इनकी उत्पत्ति ओल्ड वर्ल्ड में हुई थी। ठीक, अर्थात इन चार महाद्वीपों में हुई थी, इसलिए इन्हें हम कहते हैं ओल्ड वर्ल्ड फसल। फिर न्यू वर्ल्ड दोस्तों, उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को एक साथ हम कहते हैं न्यू वर्ल्ड। तो इन दो महाद्वीपों के नाम ध्यान रखें दोस्तों, जिन फसलों की उत्पत्ति इन महाद्वीपों में हुई उन्हें हम न्यू वर्ल्ड कहते हैं, जैसे कि मक्का कपास रबर आलू तंबाकू। इन्हें आप ध्यान रखें, मक्का कपास रबर आलू तंबाकू। अब देखते हैं दोस्तों प्रमुख फसलों के जन्म स्थान, मुख्य फसलों को हमें देखना है या फिर उनके जन्म स्थान कहाँ पर हैं। तो दोस्तों गेहूँ मध्य एशिया में जन्म हुआ इसका, धान का भारत इंडोनेशिया, चाय एवं जौ का चीन। ध्यान रखें दोस्तों यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाते हैं, गेहूँ का जन्म मध्य एशिया, धान का भारत एवं इंडोनेशिया, चाय एवं जौ का चीन, आलू का पेरू, गन्ना एवं मूंग का भारत में, ज्वार का भारत में, कपास का दक्षिण अमेरिका में, रबर का ब्राज़ील में, सोयाबीन का चीन में, मक्का का मध्य अमेरिका, तंबाकू का दक्षिण अमेरिका, कॉफ़ी का जन्म इथियोपिया अफ्रीका में हुआ। इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको समस्या ना जाए। सबसे पहले तो आप ध्यान रखें, धान गन्ना मूंग एवं ज्वार, इन चारों का जन्म कहाँ हुआ है? तो भारत में हुआ है। ठीक, और दोस्तों धान में आपको भारत के साथ साथ इंडोनेशिया भी याद रखना है। ठीक है,
अब बात करते हैं गेहूं की, तो गेहूं का जन्म मध्य एशिया में हुआ है। चाय और जौ का जन्म चीन में हुआ है। चा से चा याद रखें, ठीक है। आलू पेरू, दोनों में ब्रू की मात्रा लगी, इस प्रकार से देखें। कपास का दक्षिण अमेरिका, रबर का ब्राजील, सोयाबीन का चीन। दोस्तों हमने क्या क्या देखा चीन के लिए? चाय, जौ, सोयाबीन। जब कंफ्यूजन हो तो आप इस प्रकार से अलग से लिख लें, ताकि एक साथ आप समान चीज़ों को पढ़ लें, ताकि एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो और आप साथ में चीज़ें कनेक्ट करके जल्दी याद हो जाती है। तो इस प्रकार से फिर दोस्तों मक्का मध्य अमेरिका, तंबाकू दक्षिण अमेरिका, कॉफ़ी इथियोपिया, अफ्रीका और रबर ब्राज़ील हमने देख ही लिया है। चीन का जो भी था हमने चर्चा कर लिया। तो यहाँ पर फिर से आपके लिए बताया जा रहा है न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड, मतलब न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड में कौन आया, ओल्ड वर्ल्ड से न्यू वर्ल्ड में चलन में कैसी चीज़ें आई, फसलों का स्थानांतरण कैसे हुआ, ठीक है। तो दोस्तों न्यू वर्ल्ड टू ओल्ड वर्ल्ड क्या हुआ? मक्का आलू तंबाकू लाल मिर्च रबर कपास, दो तीन बार पढ़ेंगे हो जाएगा। मक्का आलू तंबाकू लाल मिर्च रबर कपास, क्या? मक्का आलू तंबाकू लाल मिर्च रबर कपास, ये हो गया न्यू टू ओल्ड वर्ल्ड। और फिर गेहूं धान कॉफ़ी, चाय बाजरा सोयाबीन, क्या? गेहूं धान कॉफ़ी चाय बाजरा सोयाबीन, ये हो गया ओल्ड वर्ल्ड टू न्यू वर्ल्ड, ठीक है। अब फिर बात करते हैं दोस्तों विश्व की प्रमुख आर्थिक क्रियाएं। वाणिज्यिक दुग्ध उत्पादन डेनमार्क, वाणिज्यिक अन्न उत्पादन अर्जेंटीना, ठीक है। बागानी कृषि मलेशिया, फल उत्पादन फ्रांस। आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है, दो तीन बार आप रिलेट कर लेंगे, फा से फा, फल उत्पादन फ्रांस, अन्न उत्पादन अर्जेंटीना। इससे क्या होगा कि दो तीन बार आप ऐसा रिलेट कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक फल से सीधा फ्रांस, अन्न से सीधा अर्जेंटीना याद हो जाएगा। बचा बागानी तो मलेशिया, और दुग्ध उत्पादन डेनमार्क, डी से दुग्ध, डी से डेनमार्क। अब एम फॉर मिल्क होता है, लेकिन दुग्ध में हमें डी से पढ़ना है, ठीक है, ताकि चीज़ें रिलेट हो जाएं। बचा बागानी तो मलेशिया, फिर मार ही देंगे टिक, ठीक। फिर बात करते हैं गोवा प्लान, या फिर जो प्रश्न ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं उन फैक्ट्स की, ठीक। तो दोस्तों हींग की खेती करने वाला पहला राज्य, एच फॉर हींग, एच फॉर हिमाचल प्रदेश। दालचीनी की खेती करने वाला पहला राज्य भी हिमाचल प्रदेश, ध्यान रखें दोस्तों, हींग एवं दालचीनी। कौन सा प्रदेश है? हिमाचल प्रदेश है। भांग की खेती को वैध घोषित करने वाला पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हींग दालचीनी भांग जो जो मिल रहा है सब आपको हिमाचल प्रदेश में जोड़ के देखना है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए बलराम ऐप प्रारंभ की गई। कौन सी ऐप? बलराम ऐप। क्यों? किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए। फिर दोस्तों कपास अर्थव्यवस्था के मूल्य संवर्धन और निरंतरता में तकनीकी सहयोग भारत एवं जर्मनी के बीच अक्टूबर 21 में हुआ था। क्यों? कपास अर्थव्यवस्था के मूल्य संवर्धन और निरंतरता में तकनीकी सहयोग के लिए। फिर बात आती है ऑपरेशन ग्रीन, ध्यान रखें ऑपरेशन ग्रीन। केंद्र द्वारा टमाटर प्याज तथा आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले 22 कृषि उत्पादों को शामिल करने हेतु चलाया गया था, ठीक है। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया, पूरी दुनिया जानती है दोस्तों। फसल को सियारी कहते हैं, ध्यान रखें फसल को क्या कहते हैं? सियारी। फिर नॉर्मन बोरलॉग अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक को वर्ष 1970 में किस क्षेत्र में दोस्तों? शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था नॉर्मन बोरलॉग को। फिर दोस्तों खेती की जुताई किए बगैर अगली फसल बोना शून्य जुताई कहलाता है, और इसी प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। मैंने आपसे उस समय भी कहा था जब हम इनको पढ़ रहे थे कि आपको ध्यान रखना है ऐसी चीज़ों को। फिर दोस्तों जल में उर्वरक को घोलकर सिंचाई करना फर्टिगेशन कहलाता है। दोस्तों बरानी द्वीप ये क्या है? यह एक धान की प्रजाति है, इसे भी ध्यान रखें। फिर दोस्तों न्यूनतम जल दक्ष
फसल कौन सी है? गन्ना है। लीस्ट वाटर एफिशिएंट मतलब जल के प्रति बिल्कुल भी दक्षता नहीं रखती, अर्थात अधिक जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर दोस्तों पैंगिंग मूंगफली की फसल में होने वाली एक लाभकारी प्रक्रिया है। फिर दोस्तों कर्नाटक राज्य में चिकमंगलूर, कुर्ग एवं बाबा बुदनी की पहाड़ियों पर कॉफी की खेती की जाती है। दोस्तों गोल्डन बायोटेक्नोलॉजी में जैविक टाटा को प्रबंधित किया जाता है। गोल्डन बायोटेक्नोलॉजी यहाँ क्या करते हैं, जैविक डाटा को प्रबंधित किया जाता है, जैविक डाटा को मैनेज किया जाता है, चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ठीक, यही आपके एग्जाम में काम आने वाली है। और फिर दोस्तों अब हम आ जाते हैं एमसीक्यू पर, जिनके आंसर हम इस पुस्तक के उत्तर कुंजी के हिसाब से आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल PSC 20 में पूछा गेहूं। ठीक है, फिर निम्न में से कौन सी फसल व्यापारिक नहीं है? तो दोस्तों बाजरा, बाकी सभी व्यापारिक है। फिर दोस्तों आम की नीलम एवं अल्फांसो के मध्य क्रॉस से किस किस्म के फल का विकास होता है? तो रत्न आम का विकास होता है, नीलम प्लस अल्फांसो, इससे रत्ना किस्म के आम का विकास होता है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जो चावल है रबी की फसल थोड़ी ना है, खरीफ की फसल है। बाकी को भी आप पढ़ लें कि खरीफ की फसल में मक्का, जायद में खीरा तरबूजा और नकदी में कपास आती है। फिर भारत में कौन सी एजेंसी खाद्यान्न उत्पादन की खरीद वितरण भंडारण के लिए जिम्मेदार है? तो FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फिर मूंग फसल है दोस्तों, खरीफ और जायद दोनों। फिर बात करते हैं भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र, यह वाराणसी में है। फिर दोस्तों निम्न में से भारत में कौन सी वाणिज्यिक फसल है? तो दोस्तों गन्ना, तंबाकू, जूट, ये तीनों भारत की वाणिज्यिक फसलें हैं। फिर कौन सा भारतीय राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश दलहन में फर्स्ट है। ठीक, तो खालिस्तान में खड़ी फसल के नीचे अन्य, रिले के स्टेट में देखा है इसको, बात हमने की थी विस्तार से करी थी। फिर दोस्तों हवा में वनस्पति अथवा पौधों को उगाने की विधि एरोपोनिक्स कहलाती है, और पानी में क्या कहलाती है? हाइड्रोपोनिक्स। यहाँ पर एरोपोनिक्स पूछा है, हाइड्रोपोनिक्स पानी में फसलों को उगाना। ठीक है, फिर हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन, ये भारत में है। ठीक, दुनिया में कौन है कमेंट सेक्शन में बताएं। फिर तिलहन उत्पादन से कौन सी क्रांति का संबंध है? मतलब तिलहन उत्पादन से पीत क्रांति। राष्ट्रीय मक्का अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर, बाहुबली किस प्रकार की फसल की किस्म है? गन्ना की किस्म है बाहुबली। ठीक है, नूरजहां निम्न में से किसकी किस्म है? तो आम की किस्म है। रंजीत सबबन क्या है? चावल की किस्म है। खैरा रोग दोस्तों किससे संबंधित है? चावल से है, धान से है। सूटकेस फॉर्म में दोस्तों घर से दूर जाकर खेती करना, सूटकेस का व्यक्ति अपने साथ लेके जाता है जब वो घर से दूर जा रहा होता है ना, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। दोस्तों निम्न में से कौन सा एक पादप समूह नवीन विश्व न्यू वर्ल्ड में कृषि योग्य बनाया गया तथा इसका प्राचीन विश्व ओल्ड वर्ल्ड में प्रचलन शुरू किया गया? तंबाकू, कपास, रबर। ठीक है, इनको ध्यान रखें। अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र पेरू में है। कौन सी चारा फसल नहीं है? दोस्तों पटसन। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो दोस्तों सरसों, रबी की फसल है। काफ़ी की उच्चतम किस्म कौन सी? अरेबिका। काफ़ी का वनस्पति, अफीम का वनस्पतिक नाम है पेपेवर सोमनीफेरम। फिर दोस्तों पेंडा और झूम कृषि कहाँ प्रचलित है? झूम कृषि को पेंडा कहते हैं आंध्र प्रदेश में, सीधी बात ऐसी ध्यान रखें। दोस्तों अधिक प्रोटीन वाले गेहूं की खोज है MACS 48 40 28, कौन सा? MACS 40 28। फिर केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर में है। सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी। 2019 में पद्मश्री विजेता बाबूलाल दाहिया का संबंध जैविक कृषि।
हाल ही में दोस्तों भारत के किस राज्य में हींग की खेती प्रारंभ की गई? हमने याद किया था हिमाचल प्रदेश। हींग, दालचीनी एवं भांग, इन तीनों परिप्रेक्ष्य में हमने हिमाचल प्रदेश को पढ़ा था। 2019 के पद्मश्री विजेता बाबूलाल दाहिया का संबंध किस जिले से है? तो दोस्तों सतना जिले से है। फिर बात करते हैं प्रश्न 34 की, सुपर बनाना में क्या बीटा कैरोटीन ज्यादा पाया जाता है? ठीक है, फिर भारत की कॉफी राजधानी कहते हैं कुर्ग को। भारत में चावल का शहर कैसे कहते हैं? गोंदिया महाराष्ट्र को कहते हैं। ध्यान रखना इन फैक्ट को, कॉफी राजधानी कुर्ग कर्नाटक, चावल शहर गोंदिया महाराष्ट्र। फिर दोस्तों किस रबर किस पौधे से प्राप्त होता है? लेटेक्स से होता है, लेटेक्स। ठीक है, फिर अग्रणी चाय निर्यातक देश है केन्या श्रीलंका। फिर राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र है सोलापुर में। कुफरी बादशाह कुफरी चिप्स होना, दोस्तों कुफरी मिल जाए तो आलू लगा देना। मध्य प्रदेश में जैविक खेती का प्रचलन किस जिले में है? मंडला जिले में। ठीक है, इनमें से कौन सी तना फसल नहीं है? दोस्तों व्यवहारिक प्रश्न है, गाजर तना फसल नहीं है, देख के आपको लग सकता है। इनमें से कौन सी जड़ फसल नहीं है? दोस्तों लहसुन जड़ फसल नहीं है। किट्टू रोग किस फसल से संबंधित है? गेहूं से संबंधित है। राष्ट्रीय केंद्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? करनाल हरियाणा। ठीक है, चक्र कृषि दोस्तों साग सब्जी से संबंधित है। दोस्तों इस प्रकार से हमने कवर कर लिया है पूरा इस टॉपिक को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ। अगले वीडियो में शुरुआत होगी खाद्य प्रसंस्करण की, फूड प्रोसेसिंग की। आपको करना क्या है, तब तक बने रहना है साथ में, वीडियो को देखना है, लाइक करना है, पढ़ाई करते रहना है ताकि एग्जाम में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। तो दोस्तों इसी प्रकार से जुड़े रहें, लगातार मेहनत करें, आगे बढ़े, पढ़ते रहें, तब तक ना रुके जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।